हम लोग 35 क्लास में फॉर्मूला सीखे होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, पता है? जैसे इसी का हम यहाँ लिखे हैं, अब इसमें से अगर 2ab घटा देंगे तो कहाँ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से अगर 2 को ab घटा दिया जाए तो कट जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ये कौन इसका फॉर्मूला होता है? अगर यहाँ माइनस ले लें तो यहाँ होगा प्लस, ये मल्टी क्लास में पढ़े अभी नहीं मालूम है, मालूम है कि इसका अर्थ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab से यह 2ab कट जाएगा, क्या कट जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ठीक है? तो हम लोगों को उसका फॉर्मूल निकाला है, तो उसको कितने पद में व्यक्त करना है, एक पद में, तो तीन गुण पद में हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसी तरह का हमको आना चाहिए ए स्क्वायर 2ab प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ प्लस चाहे माइनस आ सकता है, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ प्लस होगा माइनस होगा तो माइनस, तो इसमें कैसे हम कुल पद लाते हैं, तो देखिए यह हम मदद करेगा आयोजन का गुणा जो एक्स या वाई चाहे एक्स वाई से बना हुआ हो उसी को पहचानिए पहले वो किस रूप में ए प्लस बी के रूप में ए माइनस बी के किस रूप में, और यहाँ हमेशा इस तरह का सवाल जो एक्स चाहे वाई चाहे एक्स वाई से बना हुआ रहेगा उसमें सबसे पहले आप आयोजन के गुणांक में चले जाएंगे और एक्स वाई से जो गुणांक बना हुआ दिखाई दे रहा है उसको पहचानिए कि कौन सा रूप है ए प्लस बी या ए माइनस बी, दोनों में से कोई एक फॉर्म जरूर रहेगा, कौन सा रूप है ए माइनस बी जब है, और इन दोनों को ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आपको बदलना होगा, ठीक है? जो हम पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2x प्लस 3 अब पूर्ण बल में बदलना है तो यहाँ इस पर एक घात दिखाई दे रहा है तो बल रहेगा तो हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab का रूप आएगा, और हम सब सिखाए थे आपको कि जैसे एक स्क्वायर मान लीजिए प्लस 3x है पूर्ण बल लाना है तो यह आसान है, क्या तो यहाँ दो घात दिखाई दे रहा है,